हेलो एवरीवन वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस आज की वीडियो का टॉपिक है लास्ट ट्वेल्व मंथ्स करंट अफेयर्स तो इस वीडियो में हम जनवरी टू दिसंबर 2023 के सभी इंपॉर्टेंट 250 फिफ्टी क्वेश्चन को यहां पे कवर करने वाले हैं सो फ्रेंड जितने भी आज हम क्वेश्चन कवर करेंगे वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट हैं तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं उसके लिए आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है तो चलिए फ्रेंड्स आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक तो अभी वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं सो so अजय बांगा जो है ये नए प्रेजिडेंट बने हैं वर्ल्ड बैंक के वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कब हुई थी तो वर्ल्ड बैंक की शुरुआत हुई थी सेवन्थ ऑफ जुलाई 1944 को और फ्रेंड्स इसका हेडक्वाटर भी याद रखेगा हेडक्वाटर कहाँ पे है वॉशिंगटन डीसी में जो है इसका हेडक्वाटर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान तो फ्रेंड्स राजस्थान में जो है अभी नए चीफ मिनिस्टर जो है यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं और कौन बने हैं भजन लाल शर्मा सो so याद रखिएगा भजन लाल शर्मा राजस्थान के जो है नए चीफ मिनिस्टर बने हैं राजस्थान की बात करते हैं सो so फ्रेंड्स यहाँ की कैपिटल क्या है जयपुर जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है और फ्रेंड्स राजस्थान में गवर्नर कौन है करंट में तो कालराज मिश्रा हैं करंट में राजस्थान के गवर्नर और फ्रेंड्स के चीफ मिनिस्टर भी हैं भजन लाल शर्मा इनकी पार्टी का नाम भी याद रख लीजिएगा तो ये हैं बीजेपी पार्टी से नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज द जी सेवन समिट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री हेल्ड तो जी सेवन समिट जो है 2023 का कहा पे आयोजित हुआ है तो ये हुआ फ्रेंड जापान के हिरोशिमा में और ये एडिशन कौन सा था फोर्टी नाइन्थ नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बिकम द न्यू सीईओ वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब सो फ्रेंड्स यूट्यूब के जो है अभी नई सीईओ कौन बने हैं आंसर नील मोहन नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया न्यू पार्लियामेंट हाउस तो जो इंडिया का नया पार्लियामेंट हाउस है उसके चीफ आर्किटेक्ट यानी मुख्य वास्तुकार कौन है आंसर इज विमल पटेल ये चीफ आर्किटेक्ट है इंडिया के नए पार्लियामेंट हाउस के नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स विच स्टेट हैज स्टार्टेड मुख्यमंत्री लर्न एंड अर्न योजना तो मुख्यमंत्री लर्न और अर्न जो योजना है फ्रेंड्स इसे शुरू किया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच राइटर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द थर्टी थर्ड व्यास सम्मान इन द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो अभी तैतीसवें व्यास सम्मान से सम्मानित किसे किया गया है पुष्पा भारती को पुष्पा भारती की आ, का एक मेमोरियर है देखिए जिसका नाम क्या है यादें यादें और यादें और इसी के लिए उन्हें थर्टी थर्ड व्यास सम्मान के लिए चुना गया नेक्स्ट क्वेश्चन विच टीम हैज बॉर्न द टाइटल ऑफ आईसीसी मेन्स ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सो so, दो में ओडीआई वर्ल्ड कप जीता ऑस्ट्रेलिया की टीम ने और ये ऑस्ट्रेलिया का था टाइम जो ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता है वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था तो इसका वेन्यू था इंडिया और ये एडिशन कौन सा हुआ था 13th एडिशन नेक्स्ट क्वेश्चन विच यूनिवर्सिटी विल बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी स्टेटस फ्रॉम यूनेस्को यूनेस्को से दुनिया के पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाला जो यूनिवर्सिटी बना है ये है वेस्ट बंगाल की विश्व भारती यूनिवर्सिटी अगला क्वेश्चन है वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इनग्रेटेड एशिया लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर फैक्ट्री तो ये एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है और इसका उद्घाटन किया गया कर्नाटका के तुमकुरू में और किसने इनोग्रेट किया ये भी याद रखना प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज लॉन्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट और इस चैटबॉट का नाम रखा है बार्ड सो बार्ड जो चैटबॉट है इसे लॉन्च किसने किया है गूगल कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन विच मिशन हैज इंडिया स्टार्टेड टू हेल्प द पीपल सफरिंग फ्रॉम डिवास्टेडिंग अर्थक्वेक इन टर्की एंड सीरिया टर्की और सीरिया में जो डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया था उस अर्थक्वेक से जो वहाँ के लोगों की मदद करने के लिए इंडिया ने जिस मिशन को शुरू किया था उसे नाम दिया था ऑपरेशन दोस्त वेयर विल द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2024 बी हेल्ड सो शॉर्ट में कहेंगे कॉप 29 तो इसका जो आयोजन है कहाँ पे होगा तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये नेक्स्ट ईयर होगा फ्रेंड्स कहाँ पे बाकू अजरबैजान में नेक्स्ट वेयर हैज इंडिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन बीन कंप्लीटेड इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनकर तैयार हुआ है अहमदाबाद शहर में नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स अभी देखिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर का जो एडिशनल चार्ज है वो किसे दिया गया है तो हमारी जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थी वो थी नरेंद्र सिंह तोमर लेकिन उन्होंने अपने जो है पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया और अभी एडिशनल चार्ज दिया गया है ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा को अगला क्वेश्चन हैज इंडिया हेल्ड इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इंडेक्स में जो है इंडिया की रैंक कौन सी रही है तो इंडिया इसमें रहा है सेवेंथ प्लेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बाई टाइम मैगजीन एज अ सी ईओ ऑ ऑफ द ईयर फॉर द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री टाइम मैगजीन ने जो है सी ई ओ ऑ ऑ ऑ ऑ ऑफ द ईयर किससे चुना है विच ऑपरेशन हैज बीन स्टार्टेड बाई रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस टू सेव चिल्ड्रन फ्रॉम स्मगलर तो रेलवे सुरक्षा बल सेवा ने बच्चों को स्मगलर से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया तो फ्रेंड्स जो ऑपरेशन को नाम दिया है ये है ऑपरेशन नन्नी फरिश्ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर के लिए किसे सिलेक्ट किया गया है सो so, दो के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है टेलर स्विफ्ट को टेलर स्विफ्ट बहुत ही फेमस सिंगर हैं जिन्हें चूज किया गया पर्सन ऑफ द ईयर के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन यूनेस्को है ट्रेडिशनल गरबाजो ने जो गरबा डांस देखी है इसे अपनी कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया है और गरबा जो ट्रेडिशनल डांस है कौन से स्टेट का है गुजरात का नेक्स्ट क्वेश्चन विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन साउथ एशिया टू रिकोगनाइज के मैरिज समलैंग विवाह को देखिए रिकॉग्नाइज करने वाला जो साउथ एशिया का पहला देश बना है कौन सा है फ्रेंड्स नेपाल नेपाल की बात करते हैं सो नेपाल की कैपिटल क्या है यहाँ पे कैपिटल है काठमांडू और नेपाली रूपी करेंसी है नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज द नोवल प्राइज 2023 इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोवल प्राइज जो है ये जीता है अमेरिका की क्लोडिया गोल्डन ने नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग हैज़ ब्रोकन अवे फ्रॉम अंटार्कटिका वॉट इज इट नेम सो अंटार्क्टिका से अभी दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग जिसे कहते हैं हम हिंदी में हिमखंड टूटकर अलग हुआ है और इस आइसबर्ग को नाम क्या दिया है ए ट्वेंटी थ्री ए नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज द टाइटल ऑफ मेन्स टेनिस कॉम्पिटिशन डेविस कप ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो डेनिस कप जो है ये मेंस का टेनिस कंपटीशन है और इसे जीता है किस टीम ने इटली ने इसे जीता है अगला क्वेश्चन है द टीम ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम विच आईआईटी आई हैज डिस्कवर्ड अ रेयर मेटल टेंटलम इन द सेंड ऑफ सतलज रिवर तो सतलज रिवर की सेंड में एक रेयर मेटल टेंटलम की अभी खोज की है आई रोपड़ के रिसर्चर्स की एक टीम ने विच कंट्री हैज नेम्ड द न्यू साइक्लॉन स्टॉर्म जिसको नाम दिया है मिचोंग फॉर्मिंग इन द साउथ ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल तो मिचोंग जो नाम रखा है ये किस कंट्री ने रखा है तो इस साइक्लोन को नाम दिया है म्यांमार देश ने और फ्रेंड्स साइक्लोन पे याद रखिएगा फ्रेंड्स एक अलग से भी, भी वीडियो प्रोवाइड की गई है आप लोग जरूर देखें क्योंकि उसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए Which word has been chosen as a Collins Dictionary word of the year 2023? तो कॉलेंस डिक्शनरी ने जो है वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को चुना है तो शब्द है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेक्स्ट क्वेश्चन प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस 2023 के चीफ गेस्ट कौन थे तो so, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के चीफ गेस्ट थे गुयाना के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर विच अवार्ड विनर्स हैज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नेम्ड द ट्वेंटी वन लार्जेस्ट अननेम्ड आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप के इक्कीस जो कि अभी तक देखिए उनके आइलैंड्स के नाम नहीं रखे गए थे तो उनके नाम जो हैं वो किन अवार्ड विनर्स के नाम पर रखे हैं तो ये सभी जो आइलैंड्स हैं इनका नाम रखा है परमवीर चक्र के जो विजेता रही अवार्डीज रही हैं उनके नाम पर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ईयर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स तो किस ईयर को मोटी अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है तो so, ये है 2023 को नेक्स्ट क्वेश्चन है वट वॉज द थीम ऑफ जी ट्वेंटी समिट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया तो जी ट्वेंटी समिट की थीम क्या थी वसुधैव कुटुम्बकम या फिर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर नेक्स्ट क्वेश्चन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है तो आलिया मीर को वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दो से सम्मानित किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन यू वाइस प्रेसिडेंट राशिद अल मखदूम हैज चेंज द नेम ऑफ अल मिनहाद सिटी टू वॉट तो इन्होंने अल मिनहाद जो शहर है इसका नाम बदलकर इसको नया नाम दिया है हिंद सिटी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड डे 2023 सेलिब्रेटेड सो विश्व आदर भूमि दिवस ये मनाया गया है सेकेंड ऑफ फरवरी को और इसकी थीम जरूर याद रखेंगे इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज अनाउंस टू रिमूव द सिंबल ऑफ द ब्रिटिश मोनार्क फ्रॉम इट्स बैंक नोट तो किस देश ने अपने बैंक नोट से जो ब्रिटिश मोनार्क है इनके जो सिंबल है इसको हटाने की रिमूव करने की घोषणा की है तो यह अनाउंसमेंट की है ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आईसीसी क्रिकेट ट्वेंटी कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की? की so इसे होस्ट किया है साउथ अफ्रीका ने अगला क्वेश्चन विच प्रोग्राम हैज बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज नॉर्दर्न बॉर्डर विलेजेस along दी चाइना बॉर्डर तो चीन की सीमा से लगे जो इंडिया के देखिए नॉर्दर्न जो सीमावर्ती गांव हैं उन वहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम शुरू किया है उसे नाम दिया है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम अगला क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश के बीसवें गवर्नर कौन बनी हैं सो फ्रेंड्स अभी अरुणाचल प्रदेश के ट्वेंटी गवर्नर बनी है कैवल्य त्रिविक्रम पर नायक अरुणाचल प्रदेश की बात करें थोड़ी सी तो फ्रेंड्स यहाँ की कैपिटल क्या है तो ईटानगर है यहाँ की कैपिटल और अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं करंट में पेमा खांडू और इनकी पार्टी कौन सी है तो ये है फ्रेंड्स बीजेपी पार्टी से नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक इंडेक्स विच हैज बीन द सेकेंड स्लोएस्ट सिटी टू ड्राइव इन दी वर्ल्ड इन द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो दुनिया में ड्राइव करने के लिए जो दूसरा सबसे धीमा शहर है यह है फ्रेंड्स इंडिया का बेंगलुरु शहर Who has won ऑफ क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी Ranji Trophy 2023? सो so अगर बात करते हैं रणजी ट्रॉफी की तो 2023 में रणजी ट्रॉफी किसने जीती सौराष्ट्र की टीम ने फ्रेंड्स हमारी जो ई बुक है जनवरी टू जुलाई लास्ट सेवन मंथ्स करंट अफेयर्स की इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स हम आप हमारी वेबसाइट से और इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल साइंस चीफ ऑफ नासा नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख कौन बनी है सही आंसर यहाँ पे है निकोला फॉक्स नेक्स्ट क्वेश्चन ज दर्ल्ड फर्स्ट बैंब क्रैश बैरियर मल्टी बीम बीन इंस्टॉल्ड दुनिया का पहला जो बांस क्रैश बैरियर बहुबली है इसे इंस्टॉल किया गया है महाराष्ट्र हाईवे पे नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज इंडियाज रैंक इन द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सो फ्रेंड्स यहां बात करते हैं इलेक्ट्रोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या रही है तो इंडिया रहा है इसमें वन नंबर पे और इस इंडेक्स को इशू किया है वीडम इंस्टीट्यूट ने नेक्स्ट क्वेश्चन, विल द ऑफ नॉलेज, अ सेवेंटी फीट हाई ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बी अनवील्ड सो so भीमराव अम्बेडकर जी की 70 फीट जो हाई स्टेचू है स्टेचू ऑफ नॉलेज ये जो स्टेचू है इसे अनवील किया जाएगा महाराष्ट्र के लातूर में शहर में नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ द इंटरनेशनल कॉफी कंपनी स्टारबक्स तो स्टारबक्स कंपनी के नए सीईओ बनी है लक्ष्मण नरसिम्हन नेक्स्ट क्वेश्चन द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज स्टार्टेड द लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट प्रोग्राम कैंपेन टू इंक्रीज एनवायरमेंटल अवेयरनेस सो शॉर्ट में इसे कहते हैं लाइफ कैंपेन और इस कैंपेन को शुरू किया गया था एनवायरमेंटल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए और इसे शुरू किया असम गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट जिसने शुरू किया है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना और इस योजना का मेन पर्पज था प्राइवेट लैंड जो है उस पर ट्री प्लांटेशन को एनकरेज करना इस योजना को शुरू किया किसने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट नेक्स्ट है इंडिया का पहला थ्री प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां पर ओपन हुआ है तो ये हुआ है बेंगलुरु में और इसे लार्सन एंड टर्बो कंपनी ने इसको इसको जो है बनाया है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पॉलिटिकल पार्टी हैज बिन ग्रांटेड नेशनल पार्टी स्टेटस बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है अभी किस पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा प्रदान किया है तो ये दिया है फ्रेंड्स किसे आम आदमी पार्टी को नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमिना मिस इंडिया 2023 का टाइटल किसने जीता आंसर नंदिनी गुप्तानी नेक्स्ट देखिए विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू अडॉप्ट वाटर बजट तो जल बजट अपनाने वाला जो इंडिया का पहला स्टेट बना कौन सा बना केरल और ऐसा क्यों किया गया देखिए तो समर्स में जो पानी की शॉर्टेज हो जाती है उस प्रॉब्लम से डील करने के लिए वाटर बजट को इन्होंने जो है अडॉप्ट किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल पंचायती राज डे ये सेलिब्रेट किया गया है ट्वेंटी फोर्थ अप्रैल को और इसकी थीम रही सस्टेनेबल पंचायत बिल्डिंग हेल्थी वाटर सफिशिएंट क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेयर हैज वन द लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर ट्वेंटी अवार्ड तो लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है लियोनल मेसी ने एंड लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है जमायका की शेली एंड फ्रीजर प्रेस ने क्वेश्चन वेयर हैज स्टे इन योर लेन कैंपेन स्टार्टेड टू प्रिवेंट रोड वायलेशन। तो स्टे इन योर लेन कैंपेन जो है इसे शुरू किया है शारजहा यू ए में अगला क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है अभी वर्ल्ड इनवायरमेंट डे के ओकेजन पे कौन सी स्कीम को लॉन्च किया इस स्कीम का देखिए मेन पर्पस था कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है इंडिया की कोस्ट लाइन पर मैंग्रोव जो प्लांटेशन है यानी मैंग्रोव जो वृक्षारोपण है इसको फैसिलिटेट करना और इस योजना को नाम दिया है मिश्ती स्कीम नेक्स्ट क्वेश्चन इन्फोसिस के नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं आंसर राफेल नदाल नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रिटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 ट्वेंटी थ्री विच इज़ द मोस्ट ट्रस्टेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया तो इंडिया की जो सबसे ट्रस्टेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है कौन सी है डी डी इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज़ गिफ्टेड मिसाइल कॉर्वेट आई एन एस कृपाण टू विच कंट्री तो भारत ने किस देश को मिसाइल कॉर्बेट जो है आई एन कृपाण उपहार में दे दिया तो ये दिया है इंडिया ने वियतनाम को अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023, ट्वेंटी so कौन सी कंट्री जो है पूरे वर्ल्ड की जिस जहां पे मोस्ट पावरफुल आर्मी है सबसे शक्तिशाली सेना ये है अमेरिका के पास और इसमें इंडिया की पोजीशन है फोर्थ नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट हैज स्टार्टेड विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना इसे शुरू किया है राजस्थान ने तो राजस्थान स्टेट ने शुरू किया विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना को नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्पेस एजेंसी हैज सक्सेसफुली लॉन्च यूक्लिड टेलीस्कोप टू स्टडी डार्क मैटर तो डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए जो यूक्लिड टेलीस्कोप है इसे सक्सेसफुली लॉन्च किया है यूरोप की स्पेस एजेंसी ई ने नेक्स्ट क्वेश्चन अमेरिका के पेंटागन को पछाड़ कर दुनिया का सबसे बड़ा सबसे बड़ी जो ऑफिस बिल्डिंग है ये कहाँ पर बनी है तो ये है गुजरात की सूरत डायमंड बोर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अभी अपने आइकॉनिक जो बर्ड लोगो है उसे रिप्लेस किया है तो इसकी जगह पर जो नया लोगो है ट्विटर का वो कौन सा है तो इस तरह से एक्स बना हुआ है ब्लैक कलर से तो ये नया लोगो है अब ट्विटर का नेक्स्ट देखिए अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टाइटल्ड ऑल इंडिया टाइगर 2022 किस स्टेट में सबसे ज्यादा टाइगर्स की संख्या है तो सबसे ज्यादा टाइगर्स है मध्य प्रदेश में 785 नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए चेयरमैन कौन बने आंसर इज जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव नेक्स्ट है देखिए विच कंट्री हैज अप्रूव्ड वर्ल्ड फर्स्ट चिकनगुनिया वैक्सीन आई एक्स तो दुनिया की पहली ये चिकनगुनिया वैक्सीन है और इसे अप्रूवल दिया है अमेरिका देश ने विच यूनियन हैज बिकम द ट्वेंटी फर्स्ट परमानेंट मेंबर ऑफ द जी ट्वेंटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया तो जी ट्वेंटी में देखिये अभी तक तो नाइनटीन कंट्रीज और एक था इसमें यूरोपियन यूनियन अब एक और परमानेंट मेंबर एड होने जा रहा है इसमें वो है कौन सा अफ्रीकन यूनियन अगला क्वेश्चन देखिए रेलवे बोर्ड की फर्स्ट वुमेन चेयरमैन और सीईओ कौन बनी तो पहली वुमेन चेयरमैन और सीईओ बनी है जया वर्मा सिन्हा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बिकम इंडियाज फोर्टी सेकेंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो भारत का जो बयालीसवा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना ये है फ्रेंड कर्नाटका का होसला टेम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनग्रेटेड दी वर्ल्ड लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि कन्वेंशन तो जो यशोभूमि कन्वेंशन है इसको इनोग्रेट किया है मोदी जी ने कहां पे द्वारका नई दिल्ली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ओल्ड पार्लियामेंट जो हाउस है इसका नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया तो इसे फ्रेंड्स नया नाम क्या दिया है संविधान सदन नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ग्लास इग्लू रेस्ट्रों ओपनड तो इंडिया का जो पहला ग्लास इग्लू रेस्ट्रों है ये कहाँ पे खुला है तो ये रेस्ट्रों खुला है जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री द वर्ल्ड्स फर्स्ट सैंड बैटरी हैज़ बीन स्टेबलाइज दुनिया की जो पहली सैंड बैटरी है इसको स्टेबलाइज किया गया है कौन सी देश में फिनलैंड में नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 कंट्री हैज द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री फॉर द ईयर लगातार छठे साल वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी रही तो इसमें सबसे आगे रहा फिनलैंड और इंडिया की रैंक रही इसमें वन ट्वेंटी सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा फोर मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे इनोग्रेट किया गया तो इस टेलीस्कोप को इनाग्रेट किया गया देवस्थल उत्तराखंड में नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज दी वर्ल्ड फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर बीन स्टेबलाइज विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण जो केंद्र है यह केंद्र स्थापित किया गया कहां पे? महाराजगंज उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गैलेंट्री अवार्ड को रिसीव करने वाली फर्स्ट वुमेन ऑफिसर कौन बनी तो इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी बनी है दीपिका मिश्रा नेक्स्ट क्वेश्चन हु बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बनी है किरण रिजिजू नेक्स्ट क्वेश्चन सो टेनिस टूर्नामेंट है कौन सा फ्रेंच ओपन 2023 ट्वेंटी थ्री तो फ्रेंच ओपन में मैं सिंगल टाइटल जीता है सर्बिया के प्लेयर नोवाक जोकोविक ने और वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता है फ्रेंड्स पोलैंड की ईगा ने। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन अवॉर्डेड द गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2021? 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है गीता प्रेस गोरखपुर को नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज पिकम द न्यू चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिस विंग सो रॉ की बात करें तो रॉ के जो नए प्रमुख बने हैं उनका नाम है रवि सिन्हा अगला क्वेश्चन वेयर हैज इंडिया रैंक्ड इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया को रैंक मिली है वन और इसमें नंबर वन पोजिशन पे है आइसलैंड अगला क्वेश्चन इंडिया हैज़ बिकम विच कंट्री इन द वर्ल्ड टू साइन दू एस लेड आर्टीमिस एग्रीमेंट फॉर ग्लोबल स्पेस को ऑपरेशन तो आर्टीमिस समझौते पर साइन करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बना है ट्वेंटी सेवेंथ नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस तो रेलवे सुरक्षा बल सेवा के जो नए महानिदेशक बनी है उनका नाम है मनोज यादव अगला क्वेश्चन विच कंट्री हैज़ ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विद इट्स ऑनर ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीज़न ऑफ़ ऑनर तो ये किस देश का हाईएस्ट ऑनर है जिससे सम्मानित किसे किया गया है तो याद रखेंगे किसे मिला है ये ऑनर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को और ये जो है हाईएस्ट ऑनर है फ्रांस देश का अगला क्वेश्चन विच कंट्री हैज होस्टेड द शंघाई को ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन तो एस सी ओ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री जो है इसे होस्ट किया इंडिया ने और इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या रही टू वॉट्स सिक्योर एस सी ओ नेक्स्ट क्वेश्चन बाई वॉट नेम विल दी लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान थ्री ऑन द मून बी नोन तो चांद पर देखे जहाँ पे चंद्रयान थ्री लैंडिंग हुआ था उस लैंडिंग पॉइंट को लैंडिंग साइट को जाना जाएगा शिव शक्ति पॉइंट के नाम से अगला क्वेश्चन हाउ मेनी न्यू कंट्रीज विल बी इंक्लूडेड इन द ब्रिक्स ग्रुप इन द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तो देखिए अभी ब्रिक्स में पांच कंट्रीज हैं ब्राजील रशिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका अब दो हजार चौबीस में छः और कंट्रीज हैं जो ब्रिक्स में जो हैं जुड़ने वाली हैं कौन कौन सी अर्जेंटीना इजिप्ट इथियोपिया ईरान सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन ंग जुपीटर बिहाइंडम द्लैनेट विद द मोस्ट मून इन दोलर सिस्टम तो सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा चंद्रमा वाला जो ग्रह है कौन सा बना है तो ये है्यूमन स्पेस फ्लाइट एच वन मिशन गगनयान बी सेंट टू स्पेस बाई इसरो इसरो के द्वारा जो इंडिया की पहली देखिए मानव अंतरिक्ष उड़ान है गगनयान गगनयान को कब भेजा जाएगा तो इसे स्पेस में भेजा जाएगा 2024 में नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2023 तो निकारगुआ से हैं ये शेन्स पलासियोस जिन्होंने जीता है मिस यूनिवर्स दो हजार का टाइटल नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन अवॉर्डेड द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स जिसका नाम है एबल प्राइस 2023 तो एबल पुरस्कार ये गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रेस्टीजियस अवार्ड है और इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसे लुइस कैफ्रेली को नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु हैज बीन इलेक्टेड स्पीकर ऑफ राजस्थान असेंबली तो अभी राजस्थान विधानसभा के स्पीकर के लिए किसे चुना गया वासुदेव देवनानी को नेक्स्ट क्वेश्चन हैज बिल्ट द वर्ल्ड्स डीपेस्ट अंडरग्राउंड लेबोरेटरी दुनिया की सबसे गहरी जो डीपेस्ट अंडरग्राउंड लेबोरेटरी है इस लेबोरेटरी को बिल्ट किया है चाइना देश ने नेक्स्ट क्वेश्चन बायलेटल मिलिट्री एक्सरसाइज बिन बेग्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो जो बिन बेग्स अभ्यास है देखिए ये किन दो कंट्रीज के आर्मी के बीच आयोजित हुआ तो ये एक्सरसाइज हुई इंडिया और वियतनाम के बीच कहाँ पर तो इसका वेन्यू भी जरूर याद रखेंगे हनोई वियतनाम में नेक्स्ट क्वेश्चन पोलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इमेजिंग टेलीस्कोप इंस्टॉल्ड इन इसरोज आदित्य एल्वन मिशन हैस कैप्चर्ड द फर्स्ट फुल डिस्क पिक्चर्स ऑफ तो आदित्य एलवन मिशन में लगे किस इमेजिंग टेलीस्कोप ने सूर्य से जो है पहली फुल डिस्क जो है पिक्चर खींची है तो इस इमेजिंग टेलीस्कोप का नाम क्या है सूट सूट का पूरा नाम है सोलर अल्ट्रा इमेजिंग टेलीस्कोप नेक्स्ट क्वेश्चन हु टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर विद एन अप्रूवल रेटिंग ऑफ सेवेंटी सिक्स परसेंट तो विश्व पर के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में सेवेंटी सिक्स परसेंट की जो रेटिंग है उसके साथ नंबर वन पे हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नेक्स्ट क्वेश्चन विच वुमेन हैज़ बीन रैंक फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ हंड्रेड मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड रिलीज बाई फोर्ब्स तो इस लिस्ट को देखिए किसने रिलीज किया है फोर्ब्स ने और इसके अकॉर्डिंग जो हंड्रेड देखिए मोस्ट पावरफुल वुमेन्स की जो है ये रैंक है उसमें अगर बात करें कौन सी रैंक किसने फर्स्ट रैंक हासिल करी उर्सुला वॉन डेर ने जो कि यूरोपियन कमीशन की चीफ हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ तो अभी छत्तीसगढ़ स्टेट में भी देखिए चीफ मिनिस्टर बने हैं और यहाँ पे नए चीफ मिनिस्टर बने हैं विष्णु देव साई अगला क्वेश्चन है वेयर विल साउथ ईस्ट एशियास फर्स्ट नाइट स्काई रिजर्व सेंचुरी बी ओपनड तो फ्रेंड्स साउथ एशिया की जो पहली नाइट स्काई रिजर्व सेंचुरी है इस सेंचुरी को कहाँ पे ओपन किया जाएगा तो ये सेंचुरी ओपन होगी लद्दाख यूनियन टेरिटरी में नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी वन लेबर्स ट्रैप्ड इन सिल्कियारा टनल ऑफ उत्तराखंड वर रेस्क्यू बाई विच ट्रेडिशनल टेक्निक तो उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 वन लिब, जो लेबर्स हैं जो मजदूर थे जो उसमें फंस गए थे टनल में उनको रेस्क्यू किया गया था उनको बाहर निकाला गया था किस ट्रेडिशनल टेक्निक से तो रेड हॉल माइनिंग जो टेक्निक है उसे यूज़ करके उन सभी मजदूरों को बाहर निकाला गया नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट हैज स्टार्टेड मिशन दक्ष टू हेल्प अकेडमिकली वीक स्टूडेंट्स तो मिशन दक्ष का मेन पर्पज़ था कि जो बच्चे जो है शैक्षिक रूप से पीछे रह गए हैं जो वीक है उनको हेल्प करने के लिए इस मिशन को शुरू किया था और ये मिशन शुरू किया था बिहार स्टेट ने नैक्स्ट क्वेश्चन वट वॉज दी ऑफिशियल मेस्कॉट ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सो इस बार का वर्ल्ड कप देखिए याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था इंडिया में और इसके मेस्कॉट का नाम क्या था ब्लेस एंड टोंक अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट है कंजर्वेशन ऑफ एंड स्पीसीज सुच्त प्राय प्रजाति है उनके कंजर्वेशन के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर शुरू किया तो इस प्रोजेक्ट को शुरू किया तमिलनाडु सरकार ने वेन इज यूनाइटेड नेशन डे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सेलिब्रेटेड तो यू एन डे संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया है ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अक्टूबर को और इस बार इसकी थीम रही इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल नेक्स्ट क्वेश्चन हु बिकम द ट्वेंटी एट्थ डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन तो बी आर ओ के जो 28वें देखे महानिदेशक बने हैं उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन बी की स्थापना हुई थी ऑफ 1960 को इसका थीडक्वार्टर कहाँ पे है न्यू दिल्ली में अगला क्वेश्चन विच ऑपरेशन वॉज स्टार्टेड बाई इंडिया टू ब्रिंग बैक द इंडियंस ट्रैप्ड इन दॉर बिटवीन इसराइल एंड दी दलस्तीनियन ऑर्गेनाइजेशन हमास तो इसराइल और हमास के बीच जो वॉर शुरू हो गई थी उस वॉर के बीच जो इंडियंस वहाँ पे फंस गए थे उनको वापस लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन शुरू किया था और उस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन अजय नेक्स्ट क्वेश्चन हु बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लॉरियस लॉरियस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने नीरज चोपड़ा और नीरज चोपड़ा जो है ये कौन से स्पोर्ट से है इनका संबंध है जैवलिन थ्रो से नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल दर्ल्ड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल आउटसाइड इंडिया इनोग तो इंडिया के बाहर ये सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल और इस टेम्पल को इनोग्रेट कहाँ पे किया गया अमेरिका में न्यू जर्सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु वर द फ्लैग बियरर्स ऑफ इंडिया इन द फोर्थ पैरा एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स हुए थे हांगजो चाइना में और इसमें जो फ्लैग बियरर थे इंडिया की तरफ से कौन कौन थे अमित सरोहा और पारुल परमार नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनगरेटेड द ग्लोबल मेरी टाइम इंडिया थ्री तो मोदी जी ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट दो हजार तेईस का उद्घाटन कहाँ किया तो इस समिट का उद्घाटन किया गया मुंबई में और यह था फ्रेंड्स तीसरा एडिशन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द होप इनिशिएटिव मिशन टू मेक द स्टेट कम्प्लीटली ड्रग फ्री किस राज्य सरकार ने स्टेट को पूरी तरह से देखे ड्रग फ्री बनाने के लिए होप इनिशिएटिव जो मिशन है इसे शुरू किया है तो ये मिशन शुरू किया पंजाब सरकार ने नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन पोलियो डे 2023 सेलिब्रेटेड तो विश्व पोलियो दिवस मनाया गया ट्वेंटी अक्टूबर को और थीम क्या रही अ हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच स्टेट्स रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन हैज बीन इंक्लूडेड इन द प्रस्टिजियस लिस्ट ऑफ केस स्टडी क्यूरेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन तो इसकी जो लिस्ट आई है इसमें शामिल किया गया है केरल स्टेट के टूरिज्म जो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन है उसे शामिल किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन विच कार्गो शिप गोइंग फ्रॉम टर्की टू इंडिया हैज बीन हाईचेक बाय यमेन्स हूती रेबल्स इन द साउथ रेड सी तो यमन के जो हूती रेबल्स हैं उन्होंने तुर्की से भारत जा रहे किस uh, कार्गो शिप जो है उसको हाईचेक कर लिया था तो उस कार्गो शिप का नाम क्या था गैलेक्सी लीडर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट हैज़ सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज्ड द नेम ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स तो ये जो सेंटर्स से है इनका नाम बदलकर क्या कर दिया गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर अगला क्वेश्चन फार्मूला वन रेस अबू धाबी ग्रैंड प्री 2023 का टाइटल किसने जीता तो ये फार्मूला रेस जीती मैक्स वोस्तिन ने जो कि रेड बुल के रेसर है और इनकी कंट्री है कौन सी नीदरलैंड अगला क्वेश्चन है विच एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर कैंडिडेट्स एंड इलेक्शन मैनेजमेंट तो इलेक्शन कमीशन ने कैंडिडेट्स और जो इलेक्शन मैनेजमेंट है उसके लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है तो एप्लीकेशन का नाम है इन कोर एप्लीकेशन अगला क्वेश्चन गुजरात में लोकेटेड फेमस जो ज्योतिर्लिंग सोमनाथ टेम्पल है उससे संबंधित जो सोमनाथ ट्रस्ट है तो सोमनाथ ट्रस्ट के जो है चेयरमैन कौन बनी है द आंसर इस प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन पहले दलित चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन बनी तो भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनी है हीरा लाल सामरिया नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट हैज स्टूड फर्स्ट इन द मेडल टेबल ऑफ द सेवेंथ नेशनल गेम्स तो जो अभी सैंतीसवें देखे नेशनल गेम्स हुए थे उसके मेडल टेबल में नंबर वन पोजीशन पे रहा महाराष्ट्र स्टेट नेक्स्ट क्वेश्चन बाय व्हाट नेम विल द एस फोर हंड्रेड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ऑफ द इंडियन फोर्स बी नोन तो इंडियन एयर फोर्स के एस फोर हंड्रेड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को किस नाम से जाना जाएगा तो इस सिस्टम को नाम दिया है सुदर्शन अगला क्वेश्चन है हु हैज बिकम द न्यू चीफ ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप सो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के नए चीफ कौन बने आलोक शर्मा नेक्स्ट क्वेश्चन रिन्यू पावर हैज़ इंस्टॉल्ड इंडिया फर्स्ट थ्री एक्स प्लेटफॉर्म विंड टर्वाइन जनरेटर इन विच स्टेट तो रिन्यू पावर ने इंडिया का पहला थ्री एक्स प्लेटफॉर्म विंड टर्वाइन जनरेटर इसे इंस्टॉल किया है कर्नाटक स्टेट में नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच स्टेट हैज़ द इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट स्टार्टेड तरंग मेल सर्विस टू तो डिलीवर पार्सल्स एंड मेल्स बाय सी रोड तो इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने किस स्टेट में पार्सल जो है उनको जो है सी रूट से डिलीवर करने के लिए तरंग मेल सर्विस को शुरू किया तो ये सर्विस शुरू की गई गुजरात स्टेट में नेक्स्ट क्वेश्चन तमिलनाडु और सौराष्ट्र को कनेक्ट करने के लिए सौराष्ट्र तमिल संगम इसका आयोजन कहाँ किया गया तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया गुजरात में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ स्टॉप द मेडल टेबल ऑफ आई बी ए वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप तो ये चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई थी न्यू डेली में और इस चैम्पियनशिप की मेडल टेबल में नंबर वन पे कौन सी कंट्री रही इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन एशियन हॉकी फेडरेशन हैज़ ऑनर्ड हॉकी फेडरेशन ऑफ विच कंट्री विद द बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड तो किस कंट्री के हॉकी फेडरेशन को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है तो ये ऑनर दिया गया इंडिया के हॉकी फेडरेशन को नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड थान पीरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एस 18th wildlife century of the state. तो किस राज्य ने जो थानता दिखे पेरियारेंचुरी है उसे स्टेट का अठारवा वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया तो ये बना तमिलनाडु का एटीन का वन्य जीव अभ्यारण्य नेक्स्ट क्वेश्चन वर्सेंटेज ऑफ टैक्स विल बी इम्पोस्ट ऑन इनकम ऑफ थ्री टू सिक्स लैख पर ईयर अंडर द न्यू टैक्स सिस्टम ऑफ यूनियन बजट तो तीन से छह लाख प्रतिवर्ष आय पर कितना टैक्स लगेगा तो याद रखिएगा फ्रेंड्स फाइव परसेंट अगला क्वेश्चन बुक टाइटल्ड पोवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमी अमेंडेंट पुअर तो ये जो बुक है द पोवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ये बुक लिखी है मेक नांद नेक्स्ट क्वेश्चन विच बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डिप्लॉय फाइव जी यूज केसेस एट द ग्राउंड लेवल तो फाइव जी यूज केसेस की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट बना मध्य प्रदेश का विदिशा डिस्ट्रिक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ए एफ सी एशियन फुटबॉल कप ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन कहा होगा तो एशियन फुटबॉल कप दो हजार सत्ताईस की मेजबानी करेगा सऊदी अरेबिया नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यायासो लेक हैज बीन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ विच स्टेट और यूटी अंडर द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 तो यायासो लेक जो है ये पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनी है कहाँ से लद्दाख यूनियन टेरिटरी से विच कंट्रीज रिसर्च कंपनी हैज डेवलप्ड दर्ल्ड फर्स्ट सुपर मैगनेट फॉर टेस्टिंग इन अ न्यूक्लियर प्लान्ट दुनिया का पहला सुपर चुंबक ये देखिए डेवलप किया है यूनाइटेड किंगडम की रिसर्च कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन टू स्टॉप द इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ पेपर लीक्स एंड कॉपिंग किस स्टेट गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया है इंडिया का सबसे स्ट्रिक्ट एंटी कॉपिंग लॉ तो भारत का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून को लागू किया उत्तराखंड स्टेट ने नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर विल दी वर्ल्ड क्लास साइंस सेंटर एंड प्लांटेरियम बी बिल्ट इन इंडिया तो भारत में वर्ल्ड क्लास साइंस सेंटर और जो तारामंडल है इसका निर्माण किया जाएगा कोटा राजस्थान में नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंपनी हैज़ लॉन्च द फर्स्ट चैट जी बी टी पावर्ड ए आई चैट बॉट लैक्सी इन इंडिया तो इंडिया में जो ए आई चैट बॉट लैक्सी है इसे लॉन्च किया है वेलू सिटी कंपनी ने नेक्स्ट क्वेश्चन नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर प्लांट पे दिखे से स्टेबलाइज किया जाएगा तो इस परमाणु संयंत्र को स्थापित किया जाएगा हरियाणा के गोरखपुर में नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च एम पासपोर्ट पुलिस एप्लीकेशन टू ईज पुलिस वेरिफिकेशन फॉर पासपोर्ट्स तो पासपोर्ट के लिए देखिए जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है उसको ईजी बनाने के लिए किस मिनिस्ट्री ने एम पासपोर्ट पुलिस एप्लीकेशन लॉन्च की तो ये लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने नेक्स्ट क्वेश्चन विच हैज़ बिकम द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया टू पब्लिश इट्स डिसीजंस इन द रीजनल लैंग्वेज मलयालम तो अपनी रीजनल लैंग्वेज मलयालम में प्रकाशित करने वाला इंडिया का पहला कोर्ट बना है केरल हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट पोजीशन हैज इंडिया हेल्ड इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023। तो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में देखिए इंडिया कौन से स्थान पे रहा है तो इंडिया की इसमें पोजीशन है फोर्टी सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर विल इंडिया फर्स्ट मेरीना बी बिल्ट टू प्रमोट कोस्टल टूरिज्म कोस्टल so, टूरिज्म जो है उसे बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला मरीना बनाया जाएगा बिंदूर कर्नाटका में नेक्स्ट क्वेश्चन वियतनाम के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं थुओंग। अगला क्वेश्चन है रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड इंडिया फर्स्ट एंड ओनली डीएनए वैक्सीन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू फीवर तो ये इंडिया की एकमात्र डीएनए वैक्सीन है जो कि डेंगू फीवर के ट्रीटमेंट के लिए इसे डेवलप किया और इसे डेवलप किया है इंडिया नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस जो कि कहाँ पे लोकेटेड है बेंगलोर में तो इस इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने इस वैक्सीन को डेवलप किया है नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया अ हॉकी स्टेडियम विल बी नेम्ड आफ्टर विच प्लेयर भारत में पहली बार किसी हॉकी स्टेडियम का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा जाएगा तो इसका नाम रखा जाएगा रानी रामपाल के नाम पर नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ लॉन्च द वैदिक हेरिटेज पोर्टल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द टू द कॉमन पीपल तो कॉमन पीपल को भी वेदों की जानकारी देने के लिए वैदिक जो हेरिटेज पोर्टल है इस पोर्टल को लॉन्च किया है होम मिनिस्टर अमित शाह ने अगला क्वेश्चन है एशियन मैन बिलियर्ड चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किसने जीता तो फ्रेंड्स ये टाइटल जीता है पंकज आडवाणी ने वेयर हैज इनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव अनवील्ड अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का अनावरण किया है भूपेंद्र यादव जी ने कहाँ पर गुरुग्राम हरियाणा में नेक्स्ट क्वेश्चन बर्ड्स आई चिली ऑफ विच स्टेट हैज बीन ग्रांटेड जी आई टेक तो किस राज्य की बर्ड्स आई चिली को जी आई टेक दिया गया तो ये है फ्रेंड्स कहाँ से मिजोरम से नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइगर रिजर्व हैज स्टूड फर्स्ट इन द एक्सिल्स कैटेगरी ऑफ टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट एंड इफेक्टिवनेस असमेंट रिपोर्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो इसमें जो नंबर वन पे टाइगर रिजर्व रहा है ये है केरल का पीरियर टाइगर रिजर्व अगला क्वेश्चन विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च ज्यूस मिशन ज्यूस मिशन जो है देखिए इसका मेन उद्देश्य है जुपिटर जो प्लानिटरी सिस्टम है इसको ऑब्जर्व करना और इसे लॉन्च किया यूरोप की स्पेस एजेंसी ई एस ए ने ज्यूस का पूरा नाम है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट पोजीशन हैज इंडिया हेल्ड इन दुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो इसमें इंडिया की पोजीशन रही है थर्ड नंबर पे और अमेरिका जो है इसमें रहा है नंबर वन पोजीशन पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच विलेज विल बी नोन इंडिया तो भारत के पहले गांव के नाम से कौन सा गांव जाना जाएगा तो ये है उत्तराखंड का माणा गांव अगला क्वेश्चन देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में इंडिया की क्या पोजीशन रही तो फ्रेंड्स इंडिया रहा इसमें 161 नंबर पे और इस इंडेक्स में नंबर वन पे रहा नॉर्वे देश नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इंस्टीट्यूशन हैज अनाउंस्ड द इंक्लूजन ऑफ कोडिंग एंड एआई इन द करिकुलम ऑफ क्लास सिक्स टू एट अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 तो नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत कक्षा 6 से 8 के जो देखिए करिकुलम है उनका उसमें कोडिंग और एआई को भी शामिल करने की घोषणा की है सीबीएसई ने व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड गीता कारमिकुला बीमा योजना फॉर टोडी टैपर्स तो ताड़ी निकालने वालों के लिए जो गीता कारमिकुला बीमा योजना है इस योजना को शुरू किया तेलंगाना स्टेट ने नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर हैज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट एयर फोर्स हेरिटेज सेंटर भारत के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह ने और कहाँ पर किया है चंडीगढ़ में अगला क्वेश्चन हु हैज़ लॉन्च ऑपरेशन समुद्र गुप्त टू स्टॉप ड्रग ट्राफिकिंग तो ड्रग ट्राफिकिंग जो तस्करी होती है उसे रोकने के लिए ऑपरेशन समुद्र गुप्त को शुरू किया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और इंडियन नेवी ने फ्रेंड्स हमारी जो ई बुक है जनवरी टू जुलाई लास्ट सेवन मंथ्स करंट अफेयर्स की इस ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगला क्वेश्चन देखिए विच स्टेट हैज स्टार्टेड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना टू इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज तो, तो मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का मेन उद्देश्य है जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है उसमें सुधार करना और इसे शुरू किया है झारखंड गवर्नमेंट ने मातृभूमि योजना टू कनेक्ट पीपल वर्किंग इन सिटीज और अब्रॉड देयर विलेजेस तो शहर या विदेशों में काम करने वाले लोगों को अपने गांव के साथ फिर से जोड़ने के लिए मातृभूमि योजना को शुरू किया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अगला क्वेश्चन देखिए फिफ्थ स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जो आई थी उसमें लार्ज स्टेट्स में टॉप किया केरल स्टेट ने और स्मॉल स्टेट्स में नंबर वन पे रहा गोवा यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो उसमें फर्स्ट पोजीशन पे रहा जम्मू कश्मीर अगला क्वेश्चन है विच स्टेट है नंद बाबा मिल्क मिशन तो इस स्कीम को किसने शुरू किया है तो नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम शुरू की उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। इंडियन नेवी एंड टेस्टेड आर डेवलप्ड हैवी है टॉर्पीडो वरुणास्त्र और इस वरुणास्त्र जो ये टॉर्पीडो है इसे किस कंपनी ने डेवलप किया है तो फ्रेंड्स इसे डेवलप किया है हैदराबाद बेस्ड भारत डायनामिक्स लिमिटेड नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने सुबोध कुमार नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड इंडिया फर्स्ट मिथाइल ईथर ट्रैक्टर इंजन दैट रन्स विदाउट डीजल बिना डीजल से चलने वाला जो इंडिया का पहला मिथाइल ईथर ट्रैक्टर इंजन है इस इंजन इस इंजन को डेवलप किया है आईआईटी कानपुर ने नेक्स्ट क्वेश्चन विद विच ऑर्गेनाइजेशन हैज नीति आयोग साइन एंड एम यू टू एक्सिलेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्क इन इंडिया इंडिया में देखिए सतत विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए नीति आयोग ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में एमयू साइन किया है तो ये किया है यूनाइटेड नेशंस के साथ अगला क्वेश्चन है किस स्टेट गवर्नमेंट ने गौधन न्याय योजना शुरू की इस योजना का मेन उद्देश्य है ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना और यह योजना शुरू की है झारखंड गवर्नमेंट ने। नेटेट जगन्नाथपुरी रथ यात्रा फेस्टिवल है, है जगन्नाथपुरी रथ यात्रा महोत्सव मनाया गया उड़ीसा स्टेट में अगला क्वेश्चन विच प्लेयर हैज़ क्रिएटेड अ न्यू एशियन रिकॉर्ड विद ट्वेंटी वन पॉइंट सेवन सेवन मीटर शॉटपुट थ्रो इन द इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो ये नया एशियन रिकॉर्ड किसने बनाया है तजेंद्रपाल सिंह तूर ने विद विच कंट्री हैज चाइना साइन एन एग्रीमेंट टू सेटअप चश्मा वी न्यूक्लियर पावर प्लांट तो जो चश्मा वी न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसे देखिए सेटअप करने के लिए चाइना ने किस देश के साथ एग्रीमेंट किया तो चाइना ने एग्रीमेंट किया है इसके लिए पाकिस्तान के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज won ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट एस ए एफ एफ चैम्पियनशिप ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो ये चैंपियनशिप जीती है इंडिया ने और ये कहाँ पे हुई थी बेंगलुरु शहर में अगला क्वेश्चन है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने शेख तलाल फहद अल सबा तो ये ओलंपिक जो एशियाई ओलंपिक परिषद है इसके बनी है नए अध्यक्ष नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ द आईआईटी मद्रास जांजीबार कैंपस तो आईआईटी मद्रास जो जांजीवर कैंपस है इसकी पहली वुमेन डायरेक्टर बनी प्रीति अगले आयम विच कंट्री हैजॉप द मेडल टेबल ऑफ थर्टी फोर्थ बायोलॉजी ओलम्पियाड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सो थर्टी फोर्थ जो बायोलॉजी ओलंपियाड है इसके मेडल टेबल में सबसे आगे रहा इंडिया और इसका वेन्यू कहाँ पे था अल इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इसको इसका जो है आयोजन किया गया अगला क्वेश्चन किस स्टेट ने शुरू की रूरल हाउसिंग जस्टिस स्कीम तो ग्रामीण आवास न्याय योजना ये योजना शुरू की है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने नेक्स्ट क्वेश्चन हैज़ बिकम द फर्स्ट अरब कंट्री टू गेट ऑब्जर्वर स्टेटस ऑन द एशियन पैसिफिक मनी लॉन्ड्रिंग तो एशियन पैसिफिक मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला जो पहला अरब देश बना कौन सा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ओपन 2023 में मेन सिंगल टाइटल किसने जीता तो ये टाइटल जीता है स्पेन के कार्लोस एलकरास ने और इसी में वुमेन्स सिंगल की विनर कौन रही चेक रिपब्लिक की मार्केटा वो नेक्स्ट देखिए सिटी अवार्ड इन द नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड टू टू तो बेस्ट सिटी का जो अवार्ड है ये जीता है इंदौर शहर ने अगला क्वेश्चन विच कंट्री हैज स्टार्टेड अलाइव विद अपॉर्चुनिटीज कैंपेन टू इंक्रीज ट्रेड विद इंडिया किस देश ने इंडिया के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी कैंपेन शुरू किया तो ये कैंपेन शुरू किया है ब्रिटेन ने महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन स्कीम किसने शुरू करी राजस्थान सरकार ने अगला क्वेश्चन विच स्पेस एजेंसी लूसी स्पेस क्राफ्ट हैज डिस्कवर्ड द बाइनरी एस्ट्रॉइड सिस्टम तो किस स्पेस एजेंसी के लूसी यान ने बाइनरी एस्ट्रॉइड सिस्टम की खोज की है तो ये स्पेस क्राफ्ट है अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री तो अफीम उत्पादक देश दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा बन गया है म्यांमार नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी टू एम्पावर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तो इसके लिए जो योजना शुरू की थी उसे नाम दिया है नमो दीदी नमो ड्रॉन दीदी स्कीम नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज अनाउंसड इट्स एग्जिट फ्राम चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट अभी हाल ही में किस देश ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से बाहर निकलने की घोषणा की तो ये अनाउंसमेंट की है इटली ने नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ बीन अवार्डेड द ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड एट दॉप ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो इसमें देखिए ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है आईआईटी मंडी को आर बी आई हैज़ इंक्रीज द यू पी आई ट्रांजेक्शन लिमिट फ्रॉम वन लैक टू हाउ मच ड्यूरिंग द मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग तो मॉनिटरी पॉलिसी की मीटिंग के दौरान यू पी आई ट्रांजेक्शन जो लिमिट है देखिए वो एक लाख से बढ़ा कर कर दी गई है कितनी पाँच लाख रुपये नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर है इसे अनवील किया गया है जयपुर वैक्स म्यूजियम में नेक्स्ट क्वेश्चन मिजोरम की पहली वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर कौन बनी तो याद रखेंगे इनका नाम लाल रिन ये मिजोरम राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी है नेक्स्ट क्वेश्चन विच एक्ट्रेस हैज लॉन्च हर फर्स्ट नॉवल टाइटल है इसका जैबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो तो अपना पहला नॉवल जो है इसे लॉन्च किया है हुमा कुरेशी ने विच यूनिवर्सिटी हैज टॉप द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सबसे आगे रहा कौन सी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरेंटो नेक्स्ट है देखिए फोर्स के द्वारा जो दुनिया की हंड्रेड मोस्ट पावरफुल वूमेन्स की लिस्ट जारी हुई उसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण कौन सी पोजिशन पर रही तो इन्हें पोजिशन कौन सी मिली है थर्टी सेकेंड विश्व टेक्नोलॉजी कंपनी है लॉन्च इट्स न्यू ए आई मॉडल जेमिनी तो जेमिनी जो एआई मॉडल है इसे लॉन्च किया है गूगल ने नेक्स्ट क्वेश्चन किस स्टेट की लाकरडोंग टर्मरिक जो हल्दी है इसे जीआई टैग मिला तो ये है कहाँ से मेघालय हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन बीबीसी के जो है नए अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं समीर शाह नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर हैज दाइंटी फर्स्ट इंटरपोल जनरल असेंबली बीन हेल्ड तो नाइन्टी फर्स्ट जो इंटरपोल महासभा है ये आयोजित हुई वियना ऑस्ट्रिया में नेक्स्ट क्वेश्चन वेन इज महापरिनिवार डे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सेलिब्रेटेड तो संविधान के जो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कहे जाते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी उनकी सिक्सटी डेथ एनिवर्सरी को ही कहा गया महापरिनिवार और ये मनाया गया सिक्स ऑफ दिसंबर 2023 को अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट 2022 इन विच स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस ऑफ चाइल्ड एक्सपोलिटेशन बीन रजिस्टर्ड तो सबसे ज्यादा जो पॉक्सो को पॉक्सको के मामले हैं वो कहाँ पर दर्ज किए गए सबसे ज्यादा रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं महाराष्ट्र स्टेट में अगला क्वेश्चन है आरबीआई है साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंट्रीज बैंक ऑन बाउंड क्लियरिंग सेटलमेंट तो अभी देखिए आरबीआई ने किस देश के साथ में बाउंड क्लियरिंग सेटलमेंट पर समझौता किया तो यह किया है आरबीआई ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ में मिलकर नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर हैज़ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अनवील्ड यार्ड द थर्ड ऑफ द फोर फिफ्टीन बी स्टिल गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रोयर प्रोजेक्ट तो जो यार्ड वन टू सेवन जीरो सिक्स है इसका अनावरण कहाँ किया गया तो याद रखेंगे न्यू दिल्ली में और किसने किया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के ऑफिशियल मेस्कॉट का नाम क्या रखा तो इसका नाम रखा है उज्ज्वला अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज लॉन्च अबू बीर दिशोम फॉरेस्ट राइट कैंपेन 2023? किस स्टेट ने अबुआ बीर दिशोम वनाधिकार अभियान शुरू किया है तो ये शुरू किया है झारखंड स्टेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन मनीपुर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं तो याद रखेंगे जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ये मनीपुर हाईकोर्ट के बने हैं नए चीफ जस्टिस अगला क्वेश्चन है विच स्पेस एजेंसी हैज साइकी मिशन टू तो स्टडी एस्ट्रॉइड तो का अध्ययन करने के लिए जो साइकी मिशन है इसे लॉन्च किया है अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने अगला क्वेश्चन विच बिकम इंडिया फर्स्ट वुमेन सेंट्रिक पुलिस स्टेशन टू बी सर्टिफाइड बाई दी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडराइजेशन तो आई द्वारा प्रमाणित होने वाला इंडिया का जो पहला सेंट्रिक पुलिस स्टेशन है ये कौन सा बना है भोपाल मध्य प्रदेश में नेक्स्ट क्वेश्चन कलारी डिश ऑफ विच स्टेट और यूटी हैज ग्रांटेड जी आई टैग तो किस स्टेट या यूटी के कलारी जो डिश है व्यंजन है इसे जी आई दिया गया है तो ये डिश है कहाँ से जम्मू कश्मीर मामलापुरम या महाबलीपुरम कोस्टल टेंपल ऑफ विच स्टेट हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कोलॉजिकल साइट तो ये इंडिया की पहली देखे ग्रीन आर्कोलॉजिकल जो है साइट बनी ममल्लापुरम कोस्टल टेंपल और ये है कहाँ पे तमिलनाडु स्टेट में नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइनटीन एशियन गेम्स के मेडल टेबल में इंडिया की क्या पोजीशन रही तो इसमें इंडिया रहा नंबर फोर्थ में और इंडिया ने जीते टोटल वन हंड्रेड सेवन मेडल्स जिसमें थे इंक्लूड ट्वेंटी एट गोल्ड थर्टी एट सिल्वर एंड फोर्टी नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज रिटर्न द बुक जिसका टाइटल है द रिवर्स स्विंग कलोनलाइज टू कोऑपरेशन तो ये बुक लिखी है अशोक टंडन नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर टेलीकॉम कंपनी नोकिया इनोग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट सिक्स जी लैब नोकिया ने इंडिया की पहली जो सिक्स जी लैब है इसका उद्घाटन किया है बेंगलुरु शहर में। बेदी बिलोंग टू विच स्टेट तो देखिये बिशन सिंह बेदी इनका संबंध भी याद रखेंगे क्रिकेट से था और ये बिलोंग करते थे कहा से पंजाब से इन विच स्टेट है मोदी जी अनाउंस दू समक्का सरक्का ट्राइबल यूनिवर्सिटी एंड नेशनल टर्मरिक बोर्ड तो समक्का सरक्का जो जनजातीय विश्वविद्यालय है और नेशनल टर्मरिक बोर्ड है इसे खोलने की घोषणा की मोदी जी ने कहाँ पे तेलंगाना स्टेट में नेक्स्ट क्वेश्चन भारत किस ईयर तक पहले इंडियन को मून पर भेजने का जो है टारगेट रखा है तो ये टारगेट रखा है कब तक 2040 तो तक नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेजिडेंट द्रौपदी फोर्स मेडिकल कॉलेज विद द प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड तो प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा पुणे के आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज को अगला क्वेश्चन वेयर वॉज द एशियन इंडिया मिलिट फेस्टिवल 2023 ट्वेंटी तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया इंडोनेशिया के जकार्ता में which country has announced to allocate 44.7 million पॉइंट सेवन मिलियन रुपीज फंड टू एंड द प्रॉब ऑफ हंगर थ्रू इंडियाज तो 44.7 मिलियन रुपीज धन आवंटित करने की घोषणा की गई है किस देश ने नॉर्वे ने अगला क्वेश्चन है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का टाइटल किस टीम ने जीता तो ये जीता है पंजाब की टीम ने नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंपनी हैज लॉन्च्ड लो स्मोक सुपीरियर कैरोसिन ऑयल फॉर द इंडियन आर्मी तो ये लो स्मोक इसमें बहुत ही कम देखे धुआं होता है और इस कैरोसिन ऑयल को लॉन्च किया है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने नेक्स्ट क्वेश्चन बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया ओपन 2023 में मेन सिंगल टाइटल जीता डेनमार्क के विक्टर एलेक्सन ने और इसमें वुमेन सिंगल टाइटल जीता है जापान की अकने यामागोची ने अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2023 में वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता तो फ्रेंड्स ये टाइटल जीता है साउथ कोरिया की आन से यंग नी नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री सेंड द रेस्क्यू कैप्सूल इनटू स्पेस टू सेव द क्रू ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के जो क्रू है उसको बचाने के लिए किस देश ने एक रेस्क्यू कैप्सूल को जो है भेजा था तो यह भेजा था रशिया देश ने 2023 मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेज यानी मजदूरी 357 फिफ्टी देने वाला जो राज्य बना है कौन सा है हरियाणा स्टेट नेक्स्ट क्वेश्चन बिकम द फर्स्ट पर्सन टू स्विम फ्रॉम मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया टू एलिफेंटा केव्स मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स तक तैरने वाले जो फर्स्ट पर्सन बने उनका नाम है कृष्ण प्रकाश नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिलीज बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो यहाँ पूछा गया है कि स्टेट में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं तो सबसे ज्यादा कॉलेज है उत्तर प्रदेश में अगला क्वेश्चन है याउशांग फेस्टिवल जो है ये कौन से स्टेट में मनाया गया है तो ये फेस्टिवल मनाया गया है फ्रेंड्स मणिपुर स्टेट में नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन वाइटेड एज अ थीम कंट्री फॉर द मेड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर फाइव तो स्पेन ने जो मेड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर है उसके लिए किस कंट्री को थीम कंट्री के रूप में इन्वाइट किया है तो इसके लिए स्पेन ने इन्वाइट किया है इंडिया को नेक्स्ट क्वेश्चन मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट हैज़ चेंज्ड द नेम ऑफ इस्लाम नगर विलेज टू भोपाल टू वॉट न्यू नेम भोपाल का जो इस्लाम नगर गाँव है इसका नाम बदल कर कर दिया गया है जगदीशपुर नेक्स्ट क्वेश्चन विच मल्टी नेशनल कंपनी हैज़ स्टार्टेड प्रोजेक्ट एलोरा टू प्रमोट द लोकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इन द डिजिटल वर्ल्ड तो प्रोजेक्ट एलोरा जो है इसे शुरू किया है माइक्रोसॉफ्ट ने नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट हैज स्टार्टेड द ग्रीन इनिशिएटिव कॉल्ड मेरो मेरो संतति टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द इन्वायरमेंट तो मेरो रुख मेरो संतति नाम से जो एक ग्रीन इनिशिएटिव है इस इनिशिएटिव को शुरू किसने किया है सिक्किम सरकार ने नेक्स्ट क्वेश्चन जी ट्वेंटी कल्चर वर्किंग ग्रुप की जो पहली मीटिंग थी ये कहाँ पे हुई तो पहली मीटिंग हुई थी खजुराहो मध्य प्रदेश में और इसकी थीम क्या रही थी प्रोटेक्शन एंड रेजोल्यूशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्वेश्चन डब्लू का जो पहला एडिशन है उसकी स्पॉन्सर कौन सी कंपनी थी तो इसकी थी कंपनी टाटा और डब्लू पी एल इसका पहला एडिशन किसने जीता था मुंबई इंडियंस नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन एम एल ए टू बी इलेक्टेड इन द नागालैंड असेंबली इलेक्शंस नागालैंड विधानसभा चुनाव में इलेक्ट होने वाली पहली वुमेन एम एल ए कौन बनी हेकानी जखालू और सलहोनियानो क्रूस नेक्स्ट क्वेश्चन हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पीस और स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए भारत ने किस कंट्री को दो मिलियन डॉलर जो है दिए थे तो इंडिया ने टू मिलियन डॉलर्स प्रोवाइड किसे किए थे सोमालिया को नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट हैज स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट नेम्ड संजीवनी टू इम्प्रूव द लिवलीहुड ऑफ स्मॉल डेयरी फार्मर्स एंड कैटल हर्डर्स प्रोजेक्ट संजीवनी को शुरू किया हिमाचल प्रदेश ने अगला क्वेश्चन है बैंक ऑफ इंडिया के एम डी सी ओ कौन बने हैं रजनीश कर्नाटक नेक्स्ट क्वेश्चन क्वांतास एयरवेज लिमिटेड की पहली वुमेन्स सीईओ कौन बनी तो कौन बनी है वेनेसा हटसन एप्पल हैजाइप विद विच टेक्नोलॉजी कंपनी टू जॉइंटली डील विद द अनवांटेड ट्रैकिंग ऑफ यूजर्स बाय ब्लूटूथ डिवाइसेस तो ब्लूटूथ डिवाइसेस को यूज करके जो अनवांटेड तरीके से देखे ट्रैकिंग करते हैं उससे निपटने के लिए एप्पल ने गूगल कंपनी के साथ में समझौता किया नेक्स्ट क्वेश्चन हरे कृष्णा हेरिटेज टावर जो है इसकी फाउंडेशन स्टोन कौन से शहर में रखी गई तो हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी गई हैदराबाद शहर में अगला क्वेश्चन है किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने अर्थ क्वेक वार्निंग सिस्टम को शुरू किया है तो इंडिया में जो अर्थ क्वेक वार्निंग सिस्टम है इसे लॉन्च किया है किसने गूगल कंपनी नेक्स्ट क्वेश्चन टू टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन सिमोना हालिप इन्हें देखिएगा रोमानिया तो से, ये? तो ये से। किरण बलियान हु वॉर्न द्रॉन्स मेडल इन द वुमेन्स शॉर्टपुट इवेंट इन द एशियन गेम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री बिलोंग्स टू विच स्टेट किरण बलियान जो है ये बिलोंग करती हैं उत्तर प्रदेश से नेक्स्ट क्वेश्चन नाडा हैज इम्पोस्ट अ फोर ईयर बैन ऑन दिस संजीता चानू शी बिलोंग टू विच स्पोर्ट देखिए संजीता चानू मणिपुर से हैं अभी इन पर चार साल का प्रतिबंध लगाया गया और ये बिलोंग करती हैं कौन से स्पोर्ट से वेट लिफ्टिंग यानि भारोत्तोलन से नेक्स्ट क्वेश्चन मेंस क्रिकेट एशिया कप 2023 का टाइटल किसने जीता तो ये टाइटल जीता है इंडिया ने और ये कहाँ पे हुआ था तो ये एक एशिया कप हुआ था श्रीलंका और पाकिस्तान में नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर नेम ने वी वुमेंस रिजर्वेशन बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा लोकसभा में जो महिला आरक्षण बिल है वो किस नाम से पेश किया गया तो इसे नाम दिया था नारी शक्ति वंदन एक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला दुनिया का जो 13th देश बना है कौन सा बना है इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन द इनक्यूबेटेड फर्म ऑफ व्हिच आईआईटी हैज डेवलप्ड इंडिजीनस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत ओएस टू प्रोवाइड हाईटेक टेक सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी तो किस आईआईटी ने जो है स्वदेशी रूप से एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको नाम दिया है भारत ओएस इसे डेवलप किया तो इसे डेवलप किया है आईआईटी मद्रास ने नेक्स्ट क्वेश्चन फेमस एस एम पोएट नील मनी फूकन हैज पास्ट अवे तो इनको किस ईयर में फिफ्टी सिक्स ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था तो उन्हें यह अवार्ड मिला था टू में नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में सबसे डीपेस्ट सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा तो फ्रेंड्स ये बनाया जाएगा पूरे महाराष्ट्र में विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द स्कूल ऑफ़ एमिनेंस प्रोजेक्ट टू प्रमोट एजुकेशन एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स तो स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है किसने पंजाब गवर्नमेंट ने सो फ्रेंड्स यहाँ हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं अब बात करते हैं टेस्ट की तो पहला क्वेश्चन देखिए इंडिया की अध्यक्षता में ट्वेंटी फर्स्ट मेम्बर जो है जी ट्वेंटी का ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना तो जी ट्वेंटी का जो इक्कीसवा स्थाई सदस्य है ये कौन सा बना है और दूसरा क्वेश्चन है ओल्ड पार्लियामेंट हाउस जो है इसका नाम बदल कर अब नया नाम क्या हो गया है तो फ्रेंड्स आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इसी के साथ आज का ये इम्पॉर्टेंट सेशन होता है यहाँ पे कंप्लीट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो